हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हो मेकिंग टैग गाइस। जैसे कि आज जो आज की वीडियो होने वाली है वो व्लॉग टाइप में शूट करेंगे और मैं आपको एंड में मैं आपको दूंगा एक व्लॉग टाइप शूट करेंगे आपसे वीडियो गाइस। करें या ना करें नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि व्लॉग टाइप में वीडियो शूट करें करूँ कि मतलब डायरेक्ट जो हम वीडियो बनाते थीम के ऊपर ऊपर इसके ऊपर डायरेक्ट आपको बताया करूँ। मतलब एंड में मैं आपको थीम थूम के बारे में बताया करूँगा। शुरू में हम व्लॉग टाइप में रखे करें कि क्या रखे करें नीचे कमेंट करके बताओ, जिससे कि और भी मज़ा आया करेगा कि व्लॉग टाइप में शूट करके बाद में आपको जो होती है वीडियो आपको बता दूँ। इस टाइम में ओप्पो थ्री एस मोबाइल वीडियो शूट हो रही है। इस टाइम मैं DSLR से नहीं कर रहा हूँ, चार्जिंग लगा के आ रहा हूँ, जो कि आपकी जो थीम की वीडियो अब व्लॉग के बाद जो थीम की वीडियो आएगी आपकी, तो आप इन्जॉय करो व्लॉग। तो पतंग उड़ाते हैं। वैसे मैं ज़्यादा पतंग उड़ाता नहीं हूँ, मैं सोचा व्लॉग टाइप भी बन जाएगा और थोड़ा टाइम भी पास नहीं हो रहा था, 2 बज रहा है, टाइम पास हो नहीं रहा है, तो मैं सोचा थोड़े पतंग भी उड़ा लेता हूँ। वैसे मेरे पास अरे गिम्बल कहाँ गया गिम्बल। वैसे गाइस जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा वैसे पतंग वतंग उड़ाता नहीं हूँ, पहले उड़ाता था, उड़ाता नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, वर्कआउट हो गया, डाइट बनानी पड़ती है और बाकी वीडियो शूटोज हो जाती है, तो क्योंकि टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं सोचा आज कर लेता हूँ, कट के आ जाती है गाइस पतंग। रोज़ छत पे पतंग कट के गिर जाती है। मैं आपको पूरा एक बार व्यू दिखाता हूँ छत का, ठीक है? तो आप देख सकते हो, अगर आप उस साइड देख पा रहे हो उधर बहुत ज़्यादा उस साइड मसूरी है गाइस, ठीक है? तो आप उड़ाते पतंग मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैं लेंस यूज़ करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि पतंगे तो मैं ख़रीद के लाता ही नहीं हूँ गाइस, वैसे मैं ज़्यादा उड़ाता भी नहीं, ये एक कट के आती रहती है दोस्तों छत पे। कम से कम रोज़ मेरे को 5 पतंगे मिल जाती है इसे कटते हुए। वैसे मैं ज़्यादा पतंग उड़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचा व्लॉग टाइप भी बन जाएगा, थोड़े पतंग भी उड़ा ही लेते हैं। वैसे टाइम पास नहीं होता गाइस, तो मैं इसमें फटाफट से इसमें मांझे को बांध लेता हूँ। Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, look around. All we can do now is pray. Make it count. गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, जैसे कि आपने वाला दिन देखा होगा, ये दूसरा दिन है। तो मैं चलता हूँ, उस बार बाल कटाने जा रहा हूँ। तो आप सुबह के 8 बज रहे हैं और चलते हैं बाल कटाए, जैसे तो काफ़ी बड़े लग रहे हैं। तो मैं फौजी कट करवाता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा कट करवाते हो। मैं तो फौजी करवाता हूँ, या जी सी बोल लो, फौजी बोल लो, दोनों एक ही है। अब आप कौन सा कराते हो मुझे पता नहीं है, कमेंट करके जरूर बता। चलते हैं दुकान पर, चलते हैं बाल कटाते हैं। दुकान ही बंद पड़ गई दोस्त, यहाँ पे मैं आ रहा था। तो दोस्तों जो सीख दुकान में जाने वाला था वो दुकान तो बंद पड़ गई इस टाइम। अब देखते हैं कि दूसरी दुकान में चलते हैं, वहाँ के दिखाता हूँ जो मैं आपको बोलता कि 2 मिनट का रास्ता, वो दुकान तो बंद पड़ी गई। तो अब देखते हैं कि दूसरी दुकान चलते हैं, वहाँ खड़ा होता है।
दोस्तों बाल तो कटवा लिए, मैं मिलता हूँ सीधा घर पे, मिलता हूँ चल के। सीधा मिलता हूँ दोस्तों, नहा के मिलता हूँ, फिर देखते हैं बाल कैसे कटे हैं, ठीक है। चल रहा है अपना गीजर में चला के गया था, गर्म पानी लेते हैं और फटाफट से नहाते हैं। वीडियो शूट करते हैं, हम सीधा वीडियो पे चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, थोड़ा व्लॉग टाइप में मैंने आपको दिखाया। आप लोगों को कमेंट करके बताओ कि व्लॉग टाइप में वीडियो शूट करे करूँ या मैं संडे संडे व्लॉग डाल करूँ, आप कमेंट करके मुझे बताओ। चलो अब आपकी वीडियो शूट करते हैं आपकी थीम के ऊपर, तो वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि जो थीम के ओनर है उनका नाम है एंड्रो टैकी भाई, उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी थीम क्रिएट करते हैं ओप्पो एंड रियलमी और भी डिवाइस की क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो थीम है इसके अंदर हम बात करेंगे ओप्पो A3s मोबाइल के बारे में, जो कि मैंने ओप्पो A3s मोबाइल जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ओप्पो A3s मोबाइल है मेरे पास, जो मैंने थीम है वो मैंने डाउनलोड कर ली है, उसका नाम आप पढ़ ही सकते हो, मैं जूम करके आप दिखाता हूँ, मैक्स OS कलर है 6, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको पूरा बाद में एक चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है, डिसएडवांटेज पर आपको मैं बताता हूँ उस थीम का, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। मैं आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे, नीचे आएंगे ऑप्शन ट्राई मी और बाय मी का ऑप्शन आएंगे, जैसे कि इस तरह का कुछ इंटरफेस हमको देखने के लिए मिलेगा, अपना फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा और हमको चार्जिंग एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं इस पर सिंपली करूँगा ट्राई मी पे, बाय मी पे मत क्लिक करना, ट्राई मी पे क्लिक करना। लेकिन जैसे हम ट्राई मी पे क्लिक करेंगे दोस्तों वो मिलेगा हमको 5 मिनट का ट्रायल, लेकिन हम 5 मिनट का ट्रायल को मैं आपको हटाना सिखाता हूँ परमानेंटली, कैसे आप हटा सकते हो। मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि हम हटा नहीं पाते क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको एक और अच्छा नया वर्जन दे रहा हूँ iMode Pro का, जो कि एप्लीकेशन का नाम है iMode Pro, जैसे कि 5 मिनट का ट्रायल है, उसको हम हटाएंगे कैसे, वो एक एप्लीकेशन के थ्रू हम हटाएंगे जिसका नाम है iMode Pro, जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बता भी रखा है iMode Pro। लेकिन दोस्तों मैं अच्छा वाला एक और नया वर्जन आपको देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से और भी हटा सकते हो। दोस्तों मैं जब भी मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो मेरे हट जाती है, पर आप वो कमेंट करके बताते हो कि नहीं हटी नहीं हटी दोस्तों। लेकिन एक डिसएडवांटेज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा जो हम नोटिफिकेशन बार है उसका हम चेंज नहीं हो पाएगा, और जो हमारा कोई सी भी चेंज नहीं हो पाएगी, पर जो चेंज हुआ वो स्क्रीन का हमारा जो थीम है वो चेंज हुई है, और हमारी जो चार्जिंग एनिमेशन मिला है हमको और फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने के लिए मिला है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है वो हमारे को दिखाने के लिए है, ठीक है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, कोई देखेगा अदर पर्सन कोई देखता है तो उसको लगता है कि हाँ इनके मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक और बात कि हमारे मोबाइल के अंदर पूरा अच्छे तरीके से क्यों नहीं ये सेट होती है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो ओप्पो A3s मोबाइल है वो आता है लो डिवाइस में, मतलब कि जैसे ओप्पो A3s और भी जो मोबाइल है ओप्पो के लो डिवाइस में आते हैं, जिनके अंदर कलर OS 6 और कलर OS 7 अभी तक अपडेट नहीं आया है कलर OS का, तो इसलिए हमारी जो थीम है वो अच्छे से वो सेट नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी जो सेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, हमारी जो स्क्रीन पर सेट हो जाती है और हमारी हो जाती है चार्जिंग एनिमेशन और फिंगरप्रिंट एनिमेशन, हमको इतना ही चाहिए होता है। जैसे कि मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लिया मैंने iMode Pro, इसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद ऊपर आपको माइनस का बटन दिखेगा नीले से कलर में, नीला से गोल सा आइकन है देख सकते हो, उस नीचे आपका आएगा ट्रायल आपका डिसेबल हो चुका है, तो दोस्तों आपको जो ट्रायल है इसको ऑप्शन को दबाने के बाद हट जाएगा, जैसे कि आप ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा नीला से कलर का, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, मेरे को जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको जो परमानेंटली अभी जो ये थीम है ये लग जाएगी। अब मैं आपको सिंपली आपको दिखाता हूँ इसका चार्जिंग एनिमेशन कैसा है, और आप देखते हैं चार्जिंग एनिमेशन कैसा मिल पाता है हमको। तो दोस्तों मैंने इसको मैं आपको चार्जिंग पे मैंने इसको लगा दिया, आप देख सकते हो इसका चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरीके का है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, जैसे कि मेरे को पहले से मैं सोचता था कि मोबाइल के अंदर होना चाहिए एक चार्जिंग एनिमेशन, जैसे कि जो मोबाइल का लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, जैसे कि मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा रहा हूँ, देख सकते हो कितना अच्छा एनिमेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है, बस इतना ही हमको चाहिए होता है कि एक अच्छा चार्जिंग एनिमेशन मिल जाए और फिंगरप्रिंट का ऐसी मिल जाए, चाहे वो यूज़ ना हो लेकिन कोई दूसरा देखे तो उसको लगे कि हाँ है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कैसे थीम डाउनलोड करनी है, तो दोस्तों लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको नीचे आ जाना है सिंपली, iMode भी आपका इस तरीके से ही आपका डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है, जैसे कि iMode भी आपका इस तरह
ओपन एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आई मोड को भी आप ऐसी डाउनलोड करना है जैसे कि आप थीम को डाउनलोड करना है, तो सिंपली ऐड चलेगा, उस ऐड को चलने देना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद स्किप कर देना। स्किप करने के बाद नीचे आना है दोबारा से, नीचे आने के बाद आपको क्लिक करना ओपन एंड कंटिन्यू, उसके बाद आपको मिल जाएगा दोबारा से गेट अ लिंक। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपकी जो थीम है वो डाउनलोड हो जाएगी, उधर आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। दोस्तों आप गेट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इंटरफेस खुल जाएगा डाउनलोड लिंक का। बस आज की वीडियो ये थी, मजा आ गया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए दोस्तों बाय।